हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम मोनेरा किंगडम पढ़ रहे थे और प्रोकैरियोट्स के जो तीन मेजर करैक्टर थे, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, तो हम न्यूट्रिशन तक कवर कर चुके थे। आज हम अपने इस लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्योंकि मोनेरा पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है बच्चों, उसमें आपने दो मेजर करैक्टर हमेशा याद रखने हैं। क्या कि सर, मेनली दे आर रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली क्या होती है, मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इनमें क्या है कि आपने एक मेजर पॉइंट बनाना है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय और दे ऑल्सो शो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। ध्यान रखना बच्चों, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल्सो शो, ऑल्सो शो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ये जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है बच्चों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये केवल मिक्सिंग है किसकी, अपने जेनेटिक मटेरियल की। जो ओरिजिनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है, लेकिन कैसे होती है, गैमीट फॉर्मेशन से। मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और वो गैमीट फिर फ्यूज होते हैं जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि यहां पर जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग तो होती है, लेकिन क्यों इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि सर वहां पे, कि सर वहां पे क्या होता है, वहां पे गैमीट बनते भी हैं। ठीक है, गैमीट बनते भी हैं और गैमीट फ्यूज भी होते हैं। ठीक है ना, यहां पर सीधा जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है लेकिन गैमीट नहीं बनते। ठीक है, क्लियर। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों हमारा टॉपिक, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होती है। बच्चों जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारी दो तरीके से होती है, एक बाइनरी फ्यूजन और दूसरा है हमारा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। पहला जो इसका पैटर्न है बाइनरी फ्यूजन, पढ़ा होगा ना आपने 10th में बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। अब जो है बाइनरी फ्यूजन, मेनली बाइनरी फ्यूजन होती है और कुछ एक कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक और बात बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन का क्या रोल होता है। एंडो का मतलब अंदर, और अंदर वो चीज रहती है जिसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और प्रोटेक्शन हमें अनफेवरेबल कंडीशन में चाहिए होती है हमेशा। ठीक है, तो आप एक बात और हमेशा याद रखेंगे कि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन होती है और अनफेवरेबल कंडीशन में हमेशा क्या होती है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले
अब हम शुरू करेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन जैसे कि आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस के अंदर, मैं वो डायग्राम नहीं बनाना चाहता कि एक पेरेंट बॉडी जो होती है या सेल या पेरेंट बॉडी जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है ना, दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है बच्चों, तो जो ये बाइनरी फिजन है इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों लिखो बैक्टीरिया स्प्लिट अप इनटू टू डॉटर सेल्स, और दो बैक्टीरिया भी आप बोल सकते हो, बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल, और ये दो डॉटर सेल कौन है, बैक्टीरिया। दो नए बैक्टीरिया में ये टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लिखो बच्चों इट ऑलवेज अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में हमेशा बाइनरी फिजन होती है, ठीक है, और अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखना। अब जो मेजर पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स अमाइटोटिक सेल डिवीजन, अभी मैं बताऊंगा। इन्वॉल्व अमाइटोटिक डिवीजन, ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये वाला कि अमाइटोटिक क्यों होती है। देखो दो पढ़िया आपने, एक माइटोटिक एक मियोसिस, ठीक है ना, यहाँ पे अमाइटोटिक आ गया, ठीक है ना। ये क्या होती है, क्योंकि बच्चों इनके पास स्पिंडल फाइबर नहीं होते, लिख दो स्पिंडल फाइबर एब्सेंट, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर एब्सेंट, सॉरी। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर नहीं होते, इसीलिए इसे अमाइटोटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है ना। और बच्चों जो है बैक्टीरिया जो है हमेशा शो करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, दे शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं, ग्रोथ इसका मतलब होता है कि देखिए एक मैनर होती है, जैसे एक, एक से दो, दो से चार, ठीक है, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरह से, इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से डबल होती चली जाती है हर केस के अंदर, तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ आया, दे शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो गया बाइनरी फिजन। नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, बाइनरी फिजन समझ आ गया, मेजर पॉइंट है फेवरेबल कंडीशन में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए एंडोस्पोर फॉर्मेशन। मैं पहले आपको बेसिक मैप बताऊंगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखो एंडो का मतलब होता है अंदर, इसके अंदर स्पोर बनेगा, सर अंदर स्पोर बनेगा मतलब, अभी देखना। देखो ये मान लीजिए कि हमारा बैक्टीरिया है, ये लो, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड माने जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है इनके पास, और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या होगा, चलिए मैं इसे ब्लू कलर से बना देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इनर मटेरियल है वो अपने आप को एक स्पोर में अरेंज करेगा, ठीक है, किस तरह से, एक स्पोर बन जाएगा, वॉटर
की रिमूवल हो जाएगी, हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये सेम बैक्टीरिया है, सेम, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या हुआ कि ये जो मटेरियल है यहां पर कंजेस्टेड हो गया और इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये लो, ये हार्ड कवरिंग आ गई। क्या आ गई? हार्ड कवरिंग। कैसे हुआ ये? क्योंकि वॉटर की रिमूवल हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों आपको? अब क्या हुआ, फाइनली ये जो कवरिंग थी, कैप्सूल टाइप कवरिंग है बैक्टीरिया की, ये तो अलग आ गई बच्चों, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग हो गया। समझ आया? ये इस तरह से, दैट इज द एंडोस्पोर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको लिख दो वहां पर, एंडोस्पोर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? ये होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब हम बनाएंगे एंडोस्पोर का डायग्राम कि एंडोस्पोर में बेसिकली होता क्या क्या है। ठीक है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी रहे। समझ आ रहा है बच्चों? बनाओ फटाफट मेरे साथ। ठीक है, चलिए, एंडोस्पोर का डायग्राम हर बच्चा बहुत अच्छे से बनाएगा क्योंकि उससे काफी क्वेश्चंस हमारे आते हैं। चलिए, सिंपली बता रहा हूं, तीन सर्कल लगाओ, एक दो और ये तीन। और जो आप फोर्थ लगाएंगे उसे इरेगुलर सा लगा दो, ये इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये क्या है इसके बीच में? ये जेनेटिक मटेरियल, जिसे आपने न्यूक्लियोइड कहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आप बच्चों क्या करो, थोड़ा डार्क कर दो, यानी कि थिक हो जाएगी। ठीक है, आपको लेयर्स दिखाई दे रही होंगी ये। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर? अब हम लेबलिंग करते हैं, और लेबलिंग करने के बाद मैं जब आपको इसका स्ट्रक्चर कराऊंगा तो आपको केमिकल्स भी पता चलेंगे कि इनमें कौन कौन से केमिकल होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आप मेरे साथ लेबलिंग करेंगे, एक्सोस्पोर, स्पोर कोट, कोर्टेक्स, एक्सोस्पोर, दिस वन इज स्पोर कोट,
दिस इज द कोर्टेक्स, ठीक है, और ये जो लास्ट वाली है अंदर जो डार्क ब्लू है दैट इज अ कोर वॉल, बेसिकली इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे हम बाद में, दैट इज द कोर वॉल, ठीक है ना, सी ओ आर ई कोर वॉल। ये अंदर जो मेटेरियल है दैट इज द न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म, क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोइड और ये क्या है, ये जो यहां डॉट डॉट पड़े हुए हैं दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म के बाहर क्या करो, कॉमन ब्रैकेट लेके लिख दो सेंट्रल कोर, यानी कि ये सेंट्रल कोर बनाते हैं, और कॉमन सी बात है बच्चों, सेंटर में, सबसे सेंटर में यही है, ठीक है ना, और वो क्या बनाएंगे एक किस्म से आउटर कोर बना देंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्पोर, सॉरी एंडोस्पोर, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखिए, बाद में बना लेना बच्चों, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फटाफट, एंडोस्पोर आर, फर्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट, थिक वॉल्ड स्फेरिकल एंड हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। कैसा है ये, थिक वॉल्ड है, आपने देख ही लिया इतनी सारी लेयर है, थिक वॉल्ड, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल यानी कि गोल की तरह होता है गोल, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये हमेशा कब बनता है, ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनता है, क्यों, क्योंकि देखो ना इसने अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और प्रोटेक्शन की जरूरत तब होती है जब उसको बाहर के एनवायरनमेंट से खतरा होता है, समझ आया बच्चों आपको, ठीक है। अब लिखो एक्ट एज, ये कैसे कैसे काम करता है, एक्ट एज, हेडिंग बनाओ एक्ट एज, क्या क्या काम ये करेगा, ठीक है, नंबर वन प्रोटेक्टिव यूनिट, प्रोटेक्शन करेगा ना, इसीलिए दैट इज द प्रोटेक्टिव यूनिट, ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट है, नंबर टू। सेकंड लिखो बच्चों पेरिनेटिंग यूनिट, पेरिनेटिंग क्या होते हैं, जो काफी लंबे समय तक सरवाइव करते हैं स्ट्रक्चर, पेरिनेटिंग, यूनिट, ठीक है बच्चों। थर्ड पे क्या आएगा, पेरिनेटिंग यूनिट के साथ साथ डिस्पर्सिव यूनिट, जो डिस्पर्स करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट लिखो बच्चों नीचे, बट नोट एक्ट एज रिप्रोडक्शन यूनिट, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो सर फायदा क्या हुआ, आपने तो रिप्रोडक्शन के तरीके में कहा, हाँ बच्चों इसके बचने का तरीका है, ना कि ऐसा नहीं है कि ये डिवाइड करेगा आगे, ये मतलब हुआ, ठीक है ना, नोट एक्ट एज रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन यूनिट, नोट रिप्रोडक्टिव यूनिट, समझ आया, क्लियर। तो ये था बच्चों इसका करेक्टर फंक्शन, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, रब कर दूं इसे, हम रब कर दें, हम चलिए देखो इसी के नाम आएंगे, ध्यान रखना यही सारे नाम आएंगे, क्लियर है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना, यस और नो फटाफट से बताइए, वॉइस आ रही है, चलो मैं इनको म्यूट कर देता हूं, चलो समझ आ रहा है इसका मतलब, क्लियर है ना, डायग्राम वगैरह सब क्लियर है, चलो तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो बच्चों देखो स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में कवर डिवाइड कर दिया, ये सेंट्रल कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, है ना, क्लियर हो गया ना,
सामने से ही दिख रहा है बिल्कुल। चलो इसके नीचे लिख देना स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। ठीक है चलिए लिखिए, हेडिंग बनाओ स्ट्रक्चर, लिखो टू कंपोनेंट। स्ट्रक्चर में क्या है? टू कंपोनेंट्स। क्लियर? पहला नंबर वन लिखो बच्चों मेरे साथ, पहला दैट इज अ सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर में क्या होगा? सेंट्रल कोर, ठीक है। सेंट्रल कोर में बच्चों दो चीजें होंगी, कौन कौन सी लिखो मेरे साथ, इंक्लूड न्यूक्लियोइड प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड मिनरल्स भी कर लो, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोइड है उसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियोइड किस किस का बना होता है लिख लो, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है बच्चों, और साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही है क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और मिनरल्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज ज्यादा होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज। ठीक है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है तो सेंट्रल कोर में दो चीजें आ गई। अब हमारी बारी आती है स्पोर वॉल, या आप एक्सो जो हम आउटर पार्ट की बात कर रहे थे, वॉल ही बना रहा है ना वो, दैट इज द स्पोर वॉल सेकंड पार्ट। ठीक है चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है अब स्पोर वॉल में हम क्या पढ़ेंगे, वही जो तीन लेयर हमने बाहर पढ़ाई थी, चार चौथी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, दैट आर द स्पोर वॉल। ठीक है ना, सेकंड इज स्पोर वॉल। ठीक है जो स्पोर वॉल है उसमें क्या क्या होता है बेसिकली, पहले तो आप इसका फंक्शन लिखो, इसका फंक्शन क्या है लिखो इसके सामने, फंक्शन है इसका प्रोटेक्टिव, क्योंकि प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। और सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, देखो सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर। ठीक है इनर मोस्ट लेयर सबसे पहले अंदर वाली, यानी कि अपने साइटोप्लाज्म के साथ जो ब्लू कलर की डार्क बनाई थी, तो सबसे पहले कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा कोर वॉल। क्या नाम था? सी ओ आर ई डब्ल्यू ए डबल एल। ठीक है ना, ये क्या है लिख दो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है क्लियर। अब इसके बाहर जिसमें मैंने ब्लैक ब्लैक लाइनिंग्स लगाई थी, सेकंड नेक्स्ट टू कोर वॉल, नेक्स्ट टू कोर वॉल क्या थी बच्चों, क्या थी, जिसका नाम था कोर्टेक्स। क्या नाम था? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के पास क्या होता है, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड होता है बच्चों, दैट इज द कोर्टेक्स। और क्या होता है इसके पास, कैल्शियम लिखो मेरे साथ, कैल्शियम डी आई पी आई सी ओ एल आई एन आई सी, डी आई पी आई सी ओ एल आई एन आई सी एसिड, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, जिसे हम कैल्शियम डीपीए भी बोलते हैं, सी ए डीपीए भी बोलते हैं, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए,
ठीक है ना, ये लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये क्या काम करता है, लिखो इसका फंक्शन, इट एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट। ये क्या है, एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट, यानी कि जमने नहीं देता, ठीक है ना। एंटी कोएगुलेंट कौन होता है, जो जमने ना दे, ठीक है बच्चों। तो ये इसका फंक्शन हुआ। उसके बाद जो थर्ड लेयर थी हमारी, या नेक्स्ट टू कोर्टेक्स में बोलना चाहूंगा, देखो कोर्टेक्स आ गया ना सेकंड वाली, तो थर्ड लेयर जो है वो कोर्टेक्स के बाहर है ना, नेक्स्ट टू कोर्टेक्स, जिसमें हमने डेंस डॉट लगाए थे। क्या नाम है बच्चों उसका, लिखो मेरे साथ, दैट इज स्पोर कोट, दैट इज स्पोर कोट। अब ये स्पोर कोट किसकी बनी होती है, लिखो बच्चों, स्पोर कोट किसकी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन। पेप्टाइडो ग्लाइकन की होती है, और ये पेप्टाइडो ग्लाइकन की जो लेयर है ये थिक होती है और इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, थिक होती है, थिक एंड इम्परमिएबल। ये लो बच्चों, थिक इम्परमिएबल, यानी कि परमिएबिलिटी नहीं होती इसके अंदर। लिखो मेरे साथ इम्परमिएबल, फटाफट जल्दी, इम्परमिएबल, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद सबसे लास्ट है आउटर मोस्ट, जिसका नाम था एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोर जिसका हमने नाम लिखा था, आउटर मोस्ट। देखो हमने ये बता दिया ना कौन कौन सी किसकी बनी हुई है, आउटर मोस्ट, क्या नाम है, एक्सोस्पोरियम, ई एक्स ओ एस पी ओ आर आई यू एम, जिसको आपने एक्सोस्पोर लिखा था, एक्सोस्पोरियम, ठीक है ना। ये जो लेयर होती है बच्चों, ये हाईली रेजिस्टेंट होती है, इट इज, लिखो इसके बारे में, ये पैसे पहले तो बनी किसकी होती है, ये लिखो, ग्लाइकोकेलेक्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकेलेक्स, जी एल वाई सी ओ ग्लाइको सी ए एल वाई एक्स, ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकेलेक्स की ये बनी होती है, एंड इट इज हाईली रेजिस्टेंट फॉर, ठीक है ना। चलो अभी आपने बता दिया कि ये ग्लाइकोकेलेक्स की होती है, ये किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये कोर्टेक्स किसकी बनी होती है, कैल्शियम डीपी कोलिनिक एसिड की होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है फॉस्फोलिपिड की होती है ना, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमने इसकी चारों लेयर, यानी कि दोनों पार्ट को पढ़ लिया, स्पोर वॉल को भी और सेंट्रल कोर को भी। अब आप लिखो एंडोस्पोर की प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, जो एंडोस्पोर बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। लिखो एंडोस्पोर इज रेजिस्टेंट फॉर, हेडिंग बनेगी, एंडोस्पोर जो होता है इज रेजिस्टेंट फॉर किस किस के लिए, नंबर वन, लिखो बच्चों मेरे साथ, नंबर वन डेसिकेशन, डेसिकेशन होता है ड्राई होकर के कटे फटेना, डी ई एस आई सी ई ए टी आई ओ एन, डेसिकेशन, ठीक है। नंबर टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है नियर अबाउट प्लस माइनस 100 डिग्री तक ये अप टॉलरेबल होता है, ठीक है ना। नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री केमिकल्स, केमिकल्स का असर इसके ऊपर बहुत कम होता है, एंड नंबर फोर रेडिएशंस। इन चारों चीजों से इसके पास क्या होती है, क्या होती है, रेजिस्टेंस पावर होती है कि इसके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि नो डाउट इनके पास रेजिस्टेंट पावर होती है, किस किस के अकॉर्डिंग, डेसिकेशन के अगेंस्ट,
टेम्परेचर के अगेंस्ट, केमिकल्स के अगेंस्ट और रेडिएशंस के अगेंस्ट। लेकिन क्या रीजन है जो इनके पास रेजिस्टेंस पावर होती है? लिखो रीजंस फॉर रेजिस्टेंस। क्या करैक्टर है कि उनके पास जिसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया? तो लिखो बच्चों, नंबर वन, लो वाटर कंटेंट, क्योंकि वाटर कंटेंट जो होता है बहुत कम होता है, लो वाटर कंटेंट, ठीक है। नंबर टू, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है। नंबर थ्री, थर्ड लिखो बच्चों, जो हमारा कैल्शियम डीपीए था इन कोर्टेक्स, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। और थिक एंड इम्परमिएबल स्पोर कोट, अगर अंदर पानी जाएगा तो कॉमन सी बात है वो रिएक्शन करवाएगा, ठीक है ना। थिक एंड इम्परमिएबल स्पोर कोट, ये चार चीजें जो हैं इसे हाईली रेजिस्टेंस बनाती हैं। समझ आया बच्चों? तो ये था हमारा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। रिप्रोडक्शन के अंदर ही दूसरी टाइप, ये असेक्सुअल पूरा हो गया। दो तरीके थे, बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब बच्चों हम बात करेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह रहे, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी कि दो अलग अलग चीजों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स तो करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक मैसेज आया, एक सेकंड सर। रीजन का थर्ड पॉइंट, है बच्चों, कैल्शियम डीपीए पढ़ा था ना हमने, सीएडीपीए इन कोर्टेक्स, थर्ड पॉइंट है वो, ठीक है ना। क्या था सीएडीपीए बताओ? कैल्शियम बताओ, बच्चों। हाँ बिल्कुल, सीएडीपीए इन कोर्टेक्स, बिल्कुल बच्चे ने बोल दिया, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट था हमारा, ठीक है ना। डीपी कोलिनिक एसिड था जो, उसकी प्रेजेंस का होना, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे चलते हैं बच्चों, नया टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैक्टीरिया का ही, दैट इज द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, रिप्रोडक्शन मत बोल देना कहीं भी, सारा काम खराब हो जाएगा। कई बार क्या होता है, पेपर के अंदर एक जगह लिखा मिलेगा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, एक जगह लिखा मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप एक्साइटमेंट में फटाफट से रिप्रोडक्शन को टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, नो डाउट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, रिकम्बाइन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, लेकिन तरीका दूसरा होता है, याद रखना, ठीक है। लिखो क्या होगा इसका मेजर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, फर्स्ट पॉइंट जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा, मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको, रिकॉम्बिनेशन प्रोसीड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। देखो पैरासेक्सुअल, अभी समझाता हूं बच्चों, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइब्रिड बनते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों के मिक्स होने से एक नई और एडवांस चीज, दोनों का करेक्टर लेकर के जो बनेगी, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एंड द ऑर्गेनिज्म इज हाइब्रिड, ठीक है ना। लेकिन यहां पर लिखा हुआ पैरासेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन पैरा, पैरा का मतलब होता है रिलेटेड, जो प्रॉपर सेक्सुअल नहीं है, जो रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल तो मिक्स होगा लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे हम क्यों है ऐसा, लिखो डबल एरो लगा करके बच्चों, पहला ऐसा क्यों है, तो लिखो
गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन एब्सेंट। लिखो मेरे साथ, गैमेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन एब्सेंट। एब्सेंट होती है क्योंकि गैमेट ना फॉर्म होंगे ना फ्यूज होंगे, ठीक है ना। और एक और बच्चों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट। ये क्या होती है अभी बताता हूं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो एब्सेंट। ये क्या होती है सर? देखो अल्टरनेशन का मतलब होता है कि देखो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली, अगर मैं सिंपली बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं, क्या होता है कि हमारी बॉडी की सारी सेल डिप्लोइड है बच्चों, लेकिन मेरे अंदर जहां टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं वो क्या है, हैप्लोइड है। तो मेरे अंदर डिप्लोइड बॉडी से पहले हैप्लोइड गैमेट बना, एक फीमेल के अंदर हैप्लोइड गैमेट बना एग, और फिर उन दोनों के मिलने से दोबारा जाइगोट बना, वो डिप्लोइड आ गया। तो हमारी लाइफ साइकिल क्या चली, देखो पहले 2n थी, फिर इसमें हैप्लोइड गैमेट बना, फिर से 2n हो गई, फिर से n हो जाएगी, फिर से 2n हो जाएगी, फिर से n हो जाएगी। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ आया, क्लियर हो गया? तो इनमें ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि गैमेट तो बना ही नहीं, ये स्टेप तो हुआ ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? ये स्टेप आया ही नहीं तो अल्टरनेशन कैसे हो सकती है? समझ आ गया? चलो चलिए अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स सिंपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लिखो मेरे साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स, इसमें होता क्या है, सिंपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व सिंपल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बाय थ्री स्टेप्स और थ्री टाइप्स। ठीक है, बाय थ्री टाइप्स। बच्चों वैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। वैसे हम पढ़ेंगे नंबर वन, देखो अगर मैं कहूं नंबर वन, ये लिख देता हूं नंबर वन टू एंड नंबर थ्री, लिख दिया। कौन कौन से लिखो मेरे साथ, नंबर वन ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, नंबर टू ट्रांसफॉर्मेशन, टी आर ए एन एस डी यू सी टी आई ओ एन, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन, टी आर ए एन एस एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन, ट्रांसफॉर्मेशन। और थर्ड है कंजुगेशन। थर्ड है कंजुगेशन, ठीक है। अब ये तो हुआ, मैंने लिख दिया आपको कि तीन तरीके हैं, बाय थ्री टाइप्स, लेकिन आप साइड में यहां पे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। अगर हम बात करें डिस्कवरी की तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये लो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। पता होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। हम बच्चों कोशिश की जाएगी एक भी पॉइंट ना छोड़ा जाए। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड अब ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कैसे मर्जी इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कितना टाइम बचा है हमारा? जो फर्स्ट टाइप है वो बच्चों काफी छोटी है, 15 मिनट है हमारे पास और 10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि पहली टाइप है ना, इसलिए। चलिए हेडिंग बनाइए, नंबर वन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों? देखो
सारे बच्चे लिखो मेरे साथ, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट एंड शोइंग इट्स फीचर। बहुत अच्छा एक तरीका है, मैं अभी समझाऊंगा आपको बहुत सिंपल तरीके से। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहां से लिखो, फ्रॉम एनवायरमेंट से ले लिया जाएगा एंड शोइंग इट्स फीचर, और उसके फीचर को वो आगे शो करे, एंड शोइंग इट्स फीचर। अब क्या हुआ सर, कैसे हुआ? देखो मान के चलो, देखो इधर सारे बच्चे, मेरे पास ये दो पेट्री डिश हैं, ठीक है, ये लो पेट्री प्लेट है, पेट्री डिश कह सकते हो, पेट्री प्लेट कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ना मैंने दो अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया डाला हुआ है, ये लो दोनों के अंदर, ठीक है, या इन दोनों के अंदर ना अलग अलग तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। मान लो ये, मान लो चलो इसमें है ए टाइप का बैक्टीरिया, ए टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें है बैक्टीरिया बी टाइप। ये समझाने के लिए बना रहा हूं, कभी बच्चों पेपर में बना दो, ये ऐसा मत करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब ये दोनों बैक्टीरिया अलग अलग हैं। अब अलग अलग क्यों? क्योंकि इनके करेक्टर अलग अलग हैं, है ना, एक ही स्पीशीज की दो स्ट्रेन कह सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। स्ट्रेन का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा हो ना आम, कितनी तरह के आम होते हैं, तो ताम, लंगड़ा आम, चौसा आम, कलमी आम, है ना, तो मैंगो कोन स्पीशीज उसके आगे स्ट्रेन अलग अलग है, ब्रीड वेराइटी अलग अलग है, ठीक है ना, तो ये वो एक ही स्पीशीज की अलग अलग वेराइटी है, आप ये मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझाऊंगा, अगर मान लो मैं क्या करूं, ए को यहां पे डिस्ट्रॉय कर दूं, मार दूं, हीट कर दूं, किसी भी तरीके से इन्हें किल कर दूं, और इनको इन्हें खाने के लिए दे दूं, अब बी ए को खाएगा, तो ए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली बी के अंदर चला जाएगा, सारा मटेरियल जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल भी तो जाएगा, वो उसके अंदर चला गया, अब वो इसके अंदर जाकर के इसकी बॉडी का हिस्सा बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि हमारे अंदर हम इतने बड़े कहां से, जो खाया वही जुड़ता चला गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसका करैक्टर इसके पास आ जाता है, तो एनवायरमेंट से लिया ना, इसने अपने फूड से लिया ना, ए का करैक्टर बी के पास कहां से आया, ए का करैक्टर बी के पास कहां से आया, लो मैं यहां लिख देता हूं, ए को मैंने डेड कर दिया, अब इस डेड पोर्शन को मैंने यहां ऐड कर दिया, तो बी ने खाया डेड को, ए को डेड को बी ने खाया, तो फूड आ गया ना, फूड एक एनवायरमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट रह गया भाई, फ्रॉम एनवायरमेंट, मेंट एंड, ठीक है, क्लियर, एंड शोइंग इट्स फीचर। अब बी ए का मटेरियल बी ने खा लिया, तो बी भी उसका करेक्टर शो करने लगा, आफ्टर ईटिंग बी के पास ए बी करेक्टर आ गया, ए का करेक्टर भी आ गया, ठीक है ना, कहां से आया, इसने इसको खाया ना, तो एनवायरमेंट में से आया कि नहीं आया, तो एनवायरमेंट में से जेनेटिक मटेरियल ले लिया और उसको इन फ्यूचर अपनी जनरेशन के अंदर फिर शो किया, समझ आया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझ आया, मैं इसको एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बच्चों समझाऊंगा, लिखो, इट इज रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिन, इसको किसने ढूंढा था, फ्रेडरिक ग्रिफिन ने किया था, लिखो रिपोर्टेड बाय FREDERICK, RICK, ठीक है ना, ग्रिफिन, GRIFFIN, इट इज रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिन। इसने किया क्या था बच्चों, ध्यान से लिखोगे, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, लिखो एक्सपेरिमेंट ऑन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, लिखो नाम, डिप्लोकोकस न्यूमोनिए, DIPLO
COCCUS डिप्लोकोकस निमोनी DIPLO DIPLOCOCCUS PNEUMONI ठीक है ना। निमोनी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी कि और लगा करके लिख दो स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस STREPTO STREPTOCOCCUS कोकस निमोनी PNEUMONI ठीक है ना। इनके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट क्या निकला, इन्होंने क्या किया, इसकी दो स्ट्रेन ली थी। कौन सी स्ट्रेन, दो अलग अलग वैरायटी ली थी, यहां लिख दो टू स्ट्रेन्स। अब दो अगर अलग अलग वैरायटी ली तो बच्चों करेक्टर भी दो ही आएंगे ना। एक एक का नाम था एस थ्री स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन, आप एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन भी मान सकते हैं ठीक है ना। ये लो मैं पूरा लिखूंगा लेकिन एस थ्री स्ट्रेन ठीक है, आप इसको एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन भी मान सकते हैं। और इन्होंने लिया था अपना आर स्ट्रेन, आर टू स्ट्रेन, आर टू स्ट्रेन। अब एस और आर का मतलब पता क्या है बच्चों, अगर मैं समझाने के लिए बताऊं आपको, एस का मतलब है स्मूथ और आर का मतलब है रफ। जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता है ना तो अपने ऊपर, अगर ये बैक्टीरिया है तो अपने ऊपर एक ये स्मूथ और शाइनी लेयर बना लेता है, ये लो एक कोट बना लेता है, जिससे के बहुत हार्मफुल हो जाता है और ये डिजीज कोजिंग और हाईली विरुलेंट, विरुलेंट होता है जो नुकसान पहुंचा सके आगे, जो हाईली अफेक्टिव हो उसे विरुलेंट बोलते हैं। लेकिन जो आर स्ट्रेन है ना उसके ऊपर ये स्मूथ कवरिंग नहीं बनती, इसीलिए उसका नाम रख दिया आर स्ट्रेन। आर माने रफ और एस माने स्मूथ, सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूं ठीक है ना। तो करेक्टर क्या था, लिखो बच्चों इसके नीचे कैप्सूल प्रेजेंट, इसमें कैप्सूल बनता है जो मैंने अभी बना के दिखाया, कैप्सूल इसका करेक्टर है आर एस स्ट्रेन का, कैप्सूल प्रेजेंट। तो यहां क्या होगा, कैप्सूल एब्सेंट। और क्या बनेगी, केवल क्या होगी, तो लिखो स्लाइम लेयर प्रेजेंट, एक पतली सी स्लाइमी लेयर। हमने पढ़ा था ना या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम होगा, कैप्सूल हार्ड हो गया और स्लाइम जो है पतली सी लेयर बन गई ठीक है ना। स्लाइम लेयर एस एल आई एम ई स्लाइम लेयर प्रेजेंट ठीक है बच्चों। तो स्लाइम लेयर प्रेजेंट हो गई उसके ऊपर ठीक है। अब ये जो है ये जब ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों रफ कॉलोनीज, ये क्या बनाएगा, रफ कॉलोनीज बनाएगा। आप समझ आ गया ठीक है, रफ कॉलोनी बना दी। जो ये स्मूथ और शाइनी कॉलोनी है, ये जो स्ट्रेन है दैट इज विरुलेंट, हाईली विरुलेंट, लिख दो वी आई आर यू एल ई एन टी विरुलेंट। और विरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, विरुलेंट, सॉरी उल्टा हो गया, विरुलेंट फॉर्म आ गई। अब विरुलेंट के सामने लिख लो डिजीज कॉजिंग, अपने आप लिख लो बच्चों डिजीज कॉजिंग। और वो कौन है हमारा, नॉन विरुलेंट, यानी कि वो डिजीज नहीं करता, क्या है, नॉन विरुलेंट। दो मिनट का रह गया बच्चों केवल, बहुत अच्छी आपको मैं एक डिटेल दूंगा अभी ठीक है। यानी कि एस स्ट्रेन जो है विरुलेंट है, डिजीज करती है, और आर स्ट्रेन डिजीज नहीं करती, नॉन विरुलेंट ठीक है। अब देखना, अब मैं चार कंडीशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने इन दोनों को चूहों में डालना शुरू कर दिया, बस अब ये देखना है चूहा मरेगा या जिएगा, अपना काम हो जाएगा ठीक है। मरेगा बेचारा चूहा, जिएगा चूहा, और काम होगा किसका, हमारा ठीक है। तो पहली कंडीशन लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ,
ये चार कंडीशन मैं लेके चल रहा हूं। क्या किया गया, सबसे पहले S3 स्ट्रेन हमने ले ली। इस S3 स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, इंजेक्टेड टू माइस। और देखा क्या हुआ रिजल्ट, माइस डेड, मर गया। क्लियर? ठीक है। फिर हमने क्या किया, R2 स्ट्रेन को दूसरे चूहे के अंदर इंजेक्टेड टू माइस। क्या हुआ, माइस सर्वाइव, माइस को कुछ नहीं हुआ क्योंकि डिजीज कोजिंग तो था ही नहीं, माइस सर्वाइव कर रहा था, बहुत अच्छे से वो जी रहा था। ठीक है ना, तो यानी कि इतना कुछ खास फर्क नहीं आया। लेकिन अब तीसरी कंडीशन में क्या किया, हमने हीट कर दिया किसे, S3 स्ट्रेन को। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे हीट किल्ड, हीट किया तो ये S3 स्ट्रेन क्या हो गई, डेड हो गई S3 स्ट्रेन। हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को जब हमने क्या किया, फिर से इंजेक्टेड टू माइस किया, तो रिजल्ट क्या आया, देखो बच्चों जब हमने इसको फ्रेशली डाला था तो चूहा डेड हो गया था, माइस डेड, लेकिन यहां पर क्या हुआ, माइस सर्वाइव। यानी कि इसके पास कोई ऐसा करेक्टर था जो अब वो आगे नहीं दे पाया। ठीक है ना, और हीट किल्ड का मतलब है कि हमने जब उसको हीट किया ना तो उसका जेनेटिक मेकअप जो था वो नॉन फंक्शनल हो गया, टूट गया। ठीक है ना, अब हमने पता क्या किया, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को खिला दिया प्लस R2 स्ट्रेन को, R2 स्ट्रेन को खिला दिया। अब क्या देखा, और इसके बाद मिक्स कर दिया, आप ये मान लो चलो कि हमने क्या किया कि इस दोनों को मिक्स करके इंजेक्टेड टू माइस कर दिया। अब बेसिकली S3 तो डेड है ना, और R2 लाइव है, तो हमने देखा बच्चों कि माइस जो है डेड हो गया, माइस को क्या हुआ, डेड। अब सर्वाइव कौन कर रहा था, R2 स्ट्रेन, और R2 स्ट्रेन में तो सर्वाइव करना चाहिए था, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि इसका मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल जो था इसका, वो इसके साथ मिक्स हो गया और इसने अपना करेक्टर R2 को दे दिया। अब R2 स्ट्रेन R2 नहीं रहा, वो भी क्या हो गया, वो भी बच्चों S3 बन गया। क्यों, उसके ऊपर भी कॉलोनी आ गई, क्यों, क्योंकि करेक्टर जो है उसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब समझ आया, खाया इसने, एनवायरमेंट से आया और उसका करेक्टर इन फ्यूचर शो कर दिया। तो हमने ये देखा कि जो R2 स्ट्रेन थी ना उसके ऊपर भी क्या आ गई, स्मूथ कवरिंग आ गई थी, कैप्सूल बन गया था उसके ऊपर भी, तो यानी कि वो R2 का करेक्टर नहीं था, गेट बंद कर दो, वो R2 का करेक्टर नहीं था। ठीक है ना, लेकिन जब इसने इसको लिया मटेरियल को तो वो R2 में भी आ गया, और हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया किसका, R2 का S3 के साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसमें से क्या करें, अब यहां से हमने जब आइसोलेट किया, फिर तो हमने S3 को आइसोलेट किया, S3 को हमने खिलाया भी नहीं था, R2 को खिलाया था, और जब हमने इसमें से आइसोलेशन की इसमें से, तो हमने पाया कि S3 आइसोलेट हुए। अब जब S3 तो डेड थे, वो आइसोलेट कैसे हो गए सर्वाइव करते हुए, है ना, वो ऐसे हो गए कि R2 इज कन्वर्टेड इंटू S3। कैसे हुए, जेनेटिक मटेरियल मिक्स हुआ तभी तो हुए ना, है ना, क्लियर हो गया ना। यानी कि अगर मान लो ब्लैक कलर का जेनेटिक मटेरियल किसका है, S3 का है, ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल किसका है,
आर टू का है, ये लो आर टू, ठीक है, और एस थ्री। अब ये एस थ्री जो है किल कर देता है बच्चों, लेकिन ये नहीं करता। लेकिन जब हमने आर टू को इसे खाने को दे दिया एस थ्री को, तो क्या हुआ रिजल्ट पता क्या निकला? अगर मैं प्लस का साइन लगा देता हूं तो रिजल्ट पता क्या निकला? रिजल्ट निकला कि जो ये था ना, ये वाला, अब ये कंप्लीट नहीं रहा, ये इसके साथ अटैच हो गया जा करके, जिसने इसको प्रॉपर्टी बना दे दी कि इसको भी कैप्सुलेटेड बना दिया। और कैप्सुलेटेड किसकी प्रॉपर्टी है? एस थ्री की, आर टू की नहीं है। अब समझ आया? इसीलिए इसने करेक्टर शो कर दिया। क्लियर हो गया? तो बच्चों बस आपको थ्योरी लिखनी है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे आपको समझ आ ही गया सारा, सुनते ही समझ आ जाएगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद बच्चों मैं आपको केवल थ्योरी बोल रहा हूं, इसी एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास आ जाएगी और आप लिख भी सकते हो। देखो, फोर्थ सेटअप सजेस्टेड दैट आर टू स्ट्रेन ने क्या किया, हैव एब्जॉर्ब्ड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस थ्री स्ट्रेन। आर टू ने एस थ्री स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम एनवायरमेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस थ्री स्ट्रेन, और वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गया एस थ्री स्ट्रेन में। सो द माइस डेड, इसीलिए माइस जो है, चूहा जो है, मर गया। समझ आया? रिजल्ट तो यही हुआ ना कि आर टू स्ट्रेन ने एब्जॉर्ब किया जेनेटिक मटेरियल को किसके, एस थ्री स्ट्रेन को। अब आर टू स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस थ्री के अंदर, क्योंकि ये हाईली अडेप्टिव है, एडवांस है, ठीक है ना, और इसीलिए माइस डेड हो गया, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एस थ्री बैक्टीरिया एब्जॉर्ब द डीएनए ऑफ आर टू। लेकिन अगर मान लीजिए हम R2 के DNA को S3 को खिला दें, तब क्या होगा? When S3 bacteria absorb the DNA of R2, it does not show any extra feature. पता क्यों? क्योंकि मान लीजिए, देखो ये दोनों का DNA है, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ये S3 का है और ये R2 का है। अब इन दोनों का ये तो बिल्कुल सेम है, यहां मैं प्लस लगा देता हूं और यहां मैं माइनस कर देता हूं। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो प्लस ही तो R2 पे जाएगा ना, R2 चेंज हो सकता है क्योंकि S3 एडवांस है, क्योंकि उसके पास पहले ही एक एक्स्ट्रा करेक्टर है। R2 के पास तो एक्स्ट्रा करेक्टर है ही नहीं, वो देगा क्या बेचारा? देगा तो वो जिसके पास कुछ होगा, है ना, एक्स्ट्रा करेक्टर इसके पास है, बाकी सब तो सेम है क्योंकि एक ही स्पीशीज के मेंबर है, बताया था ना आपको अभी। चलो लिखो, व्हेन S2 बैक्टीरिया एब्जॉर्ब द डीएनए ऑफ R2, it does not show any extra feature. This process of absorption of DNA from outside is called competence. Likho, major point hai. This process of absorption of DNA from outside is called competence. Bahut important hai, competence. Theek hai? To ye tha bachcho hamara pehla step jiska naam tha transformation. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, और थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं, अगर आपको किसी को क्वेश्चन है कोई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।